आज हम हिंदी व्याकरण से लिंग के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा के विकारक तत्व है लिंग, वचन तथा कारक। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण स्वरूप, लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, जो लिंग के अंतर्गत आता है। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, जो वचन के अंतर्गत आता है। लड़कों ने क्रिकेट मैच देखा, लड़कों द्वारा क्रिकेट मैच देखा गया तथा यह कारक के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त वाक्यों के अंतर्गत पहले वाक्य में लिंग के कारण, दूसरे वाक्य में वचन के कारण और तीसरे वाक्य में कारक के कारण परिवर्तन आया है। आज हम संज्ञा के विकारक तत्वों में लिंग के विषय में पढ़ेंगे। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। जैसे दिए गए चित्रों के माध्यम से देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इसका लिंग परिवर्तन होगा, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। अतः इसकी परिभाषा इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप में यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग तथा दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, जिस शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, नौकर, वर, शेर, पिता, भाई आदि। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, नौकरानी, वधु, शेरनी, माता, बहन आदि। लिंग की पहचान। संज्ञाओं के दो वर्ग होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय आसानी से किया जा सकता है। पुरुष जाति के होने पर वे पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति के होने पर स्त्रीलिंग। अतः प्राणीवाचक संज्ञाओं का आसानी से लिंग निर्णय कर सकते हैं, परंतु अप्राणीवाचक संज्ञा के लिंग निर्णय में कठिनाई होती है, जैसे मेज, कुर्सी, दीवार, चित्र आदि। इसलिए इनका लिंग निर्धारण व्याकरण के नियमों, लोक व्यवहार एवं परंपरा आदि की सहायता से किया जाता है। नित्य पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द जो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे उल्लू, कौवा, खटमल, चीता, गीदड़, गेंडा, मगरमच्छ, बिच्छू, मच्छर, गरुड़, बाज, कछुआ, कीड़ा, खरगोश, भेड़िया आदि, जो हमेशा से पुल्लिंग शब्द रहे हैं। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पूर्व या आगे मादा शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे उल्लू का मादा उल्लू, कौवा का मादा कौवा, चीता का मादा चीता, कछुआ का मादा कछुआ। नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मैना, मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, दीमक, कोयल, चील, छिपकली, गिलहरी आदि, जो हमेशा से स्त्रीलिंग शब्द रहे हैं। इनका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इन शब्दों से पूर्व नर जोड़ दिया जाता है, जैसे मैना का नर मैना, कोयल का नर कोयल, मछली का नर मछली, तितली का नर तितली। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जैसे सुहागिन, सती, नर्स, सवारी आदि, इनको पुल्लिंग के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। पदवाची शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं, चाहे उन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, जैसे राजदूत, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि। इनका लिंग निर्धारण क्रिया द्वारा होता है, जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, प्रधानमंत्री समारोह का उद्घाटन करेंगे, जो पुल्लिंग है। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जा रही है, जो स्त्रीलिंग है, और इनका निर्धारण किया गया है क्रिया के द्वारा। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग में ही रहते हैं, इनके स्त्रीलिंग नहीं होते, जैसे देशों के नाम,
भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन आदि महीनों के नाम, सभी भारतीय महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, मार्च, अप्रैल, जून आदि पुल्लिंग होते हैं, अर्थात जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई को छोड़कर शेष महीने पुल्लिंग है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि। शरीर के अंगों के नाम सिर, बाल, कान, मुंह, दांत, हाथ, पेट, पैर आदि। वृक्षों के नाम अशोक, नीम, जामुन, पीपल आदि। अनाजों के नाम गेहूं, चावल, चना आदि। फलों के नाम पपीता, आम, केला, संतरा आदि। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल आदि। पहाड़ों के नाम हिमालय, शिवालिक, सतपुड़ा आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल आदि। समय सूचक नाम दिन, महीना, घंटा, मिनट, सेकंड आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम पानी, दूध, तेल, घी, पेट्रोल आदि। और वर्णमाला के अक्षर ई, ई, री को छोड़कर शेष सभी पुल्लिंग है। साथ में मोटी, भारी भरकम, बड़ी तथा बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं भी पुल्लिंग होती है, जैसे कूड़ा, बंडल, लक्कड़, गट्ठर, बोरा, रस्सी, डिब्बा, पर्वत, जंगल, थैला, ट्रक आदि। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी आदि। बोलियों के नाम पहाड़ी, हरियाणवी आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, फारसी, रोमन, गुरुमुखी आदि। इकरान शब्द बेटी, रोटी, मकड़ी, ककड़ी, छोटी, लौकी आदि, जो पीछे इकार लगता है। झीलों के नाम नैनी, डल, मानसरोवर आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम आंख, पुतलियां, नाक, मूंछ, जीभ, गर्दन, छाती, नाभि, उंगलियां, जांग आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अ को आ करके बनता है, जैसे शिष्य का शिष्या, वृद्ध का वृद्धा। वैसे ही अ आ को ई में बदलकर लड़का का लड़की, नाना का नानी। आ को इया में बदलकर बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया। अ ई के स्थान पर इन जोड़कर जैसे माली, मालिन, धोबी, धोबिन। कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन जोड़कर शब्दों को बदला जाता है, जैसे पंडित का पंडिताइन, हलवाई का हलवाइन। कुछ शब्दों में अक को इका बनाकर नायक, नायिका, सेवक, सेविका। कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर इंद्र, इंद्राणी, सेठ, सेठानी। अकरान शब्दों के अंत में नी जोड़कर ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहनी। मान को मति और वान को वती में बदलकर श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती। ई को इनी में बदलकर स्वामी, स्वामिनी, तपस्वी, तपस्विनी तथा ता को त्री में बदलकर नेता, नेत्री, रचयिता, रचयित्री। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप पूरी तरह अलग होता है, जैसे पुरुष, स्त्री, विद्वान, विदुषी, बहनोई, बहन, राजा, रानी, साधु, साध्वी, वीर, वीरांगना, मर्द, औरत, विधुर, विधवा, भाई, बहन, पिता, माता। अतः इन सब नियमों का अनुसरण कर लिंग का निर्धारण या परिवर्तन किया जाता है। तो आज हमारा लिंग का विषय यहीं पर पूर्ण होता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।